बोलो सेम नागराजा की। पटी स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। अभी हमें मिली है कागज की जिम्मेदारी, सोचती थी मुझे कोई नहीं जानते, पर अब तो हम हाथों में हाथ डाल के चलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी चाची और बड्डी के घर से। और आज मौसम की बात करें तो मौसम पूरा पैक हो रखा है। आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, धूप आज बिल्कुल नहीं लग रखी है, तो अभी देखते हैं शाम तक बारिश होती है। वैसे आज बारिश दिखा रखी है। और वो इंसान होता है जो उठता है और सीधे खाता है, वो ये लोग हैं। ये उठे, इन्होंने बनाया और सुबह सुबह सीधे खाने लग गए हैं, और मेरे पे चिल्ला रहे कि टाइम से नहीं आई। तो मुझे सुबह सुबह इतने सारे काम करने होते हैं, अब इनकी तरह तो हूँ नहीं मैं। उठो और बनाओ और खाओ। और यहाँ से तो अलग ही लेवल की गालियाँ पड़ रही है, यहाँ की गालियाँ तो सुनानी ही बेकार है। सुबह सुबह हमारा शौर्य भी उठ के सीधे खाने लग गया है, और सामने चल रही है टीवी। तो अभी यहाँ मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम कर लेती हूँ। यहाँ आई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। तो आज यहाँ नाश्ते में बनी है हरी सब्जी, तिल की चटनी जो चाची ने बनाई है, और हरी सब्जी बनाई है बड्डी ने, चाय और रोटी। तो फटाफट मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी हमारे घर में सभी लोग तैयार हो गए हैं। तो आज हमारे घर से सभी लोग जा रहे हैं शादी में। मेरे बुआ की बेटे की शादी है जो कि है भिटियारा गांव में। तो कुछ लोग तैयार हो गए हैं और कुछ लोगों की अभी तैयारी हो रही है। तो जितनी भी चाची बड्डी है मेरी, आज सभी जा रहे हैं शादी। और मेरी बड्डी भी तैयार हो गई है, और मेरी बड्डी आज सूट पहन के जा रही है क्योंकि आज बहुत ठंडा है। वैसे सबने तो भयंकर सज धज के जाना था, पर ठंडे की वजह से सभी आज सिंपल तरीके से जा रहे हैं। अरे भाई, तू आज अकेले रह गया। ओहो, ये इसका, ये तो हमेशा मेरी बेइज्जती ही करता रहता है। और अभी लगभग हमारी सारी फौज जा रही है शादी में। सामने जो गांव दिख रहा है उस गांव में जाना है हमने। चढ़ाई को देख के मुझे हमेशा डर लगता है, तो अभी चलते हैं फटाफट। चढ़ाई चढ़नी है, इसीलिए मुझे ये गांव जहां चलने के लिए और चढ़ाई चढ़ने के लिए होता है, वहां मेरी बस की नहीं होती है जाने की। कर भी ऐसी जगह शादी करना, हाँ, जिनका घर रोड पे होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो बना लीजिए पहले ही। नहीं होगा तो यूँ करो, जिन से लाओ घर को यहाँ लाओ रोड पे। सही बात है। दिन की खातिर, हाँ, ना एक दो दिन के नहीं, पूरे साल पूरे। अगर मुझे बाहर पूरा रोड पे लाओ नीचे, हाँ, तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बस की तो है ही नहीं चढ़ाई चढ़ने की। बहू जी, तो घर को रोड पे लाओ। नहीं तो लोग ही बोलेंगे कि ऐसी बहू ला दी जो पहले ही रोड पे ला रही है। और अभी फाइनली हमने ये वाली चढ़ाई भी चढ़ दी है। तो ये गांव है जो भिटियारा, इस गांव से हमारी बहुत रिश्तेदारी है। मेरी नानी का मायका यहाँ से है, मेरी सबसे बड़ी ताई जी यहाँ से है, मेरी बुढ़ी लोग यहाँ से हैं, मेरी बुआ यहाँ से हैं। और इसीलिए मुझे ये गांव अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं। मेरे दादा की दोनों बहनें यहीं से हैं, देवरानी यहाँ से, जुठानी यहाँ से, सब यहाँ से। सभी चलते हैं फटाफट क्योंकि अब शादी जाने ही वाली होगी। अभी हम पहुँच गए हैं भिटियारा गाँव में। तो अब यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। जब मैं पहले आती थी तो यहाँ पे चारों ओर बहुत रोड भी कच्ची थी, और इधर साइड कोई मकान नहीं थे, पर अब यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गए हैं। और सामने जो लास्ट में घर दिख रहा है वो है मेरी मम्मी का मामाकोट। तो ये है भिटियारा का पंचायती भवन, जिसमें कुछ दिन पहले चौर की देवता का मेला हुआ था। और यहाँ पे लगाई गई है खोली, और सभी लोग अभी जाएंगे। तो ये है मेरी बुआ का घर। जाइए जाइए। तो अभी बारात लगभग तैयार हो गई है, और सभी लोग जा रहे हैं अपनी अपनी बारी की दूल्हे राजा को माला पिलाने के लिए। लगभग सभी के द्वारा दूल्हे को माला पहनाई गई है, और अब बारात हो गई है जाने के लिए तैयार। Thank you.
गागर की जिम्मेदारी जो कि संध्या ने उठानी है। तो जब तो ये मेरी तरह ही कामचोर है, तो ये गागर पानी से भरी हुई है। जब बारात जाएगी तो इसको संध्या रखेगी सर पे, और जब बारात निकल जाएगी लगभग सभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद ये गागर नीचे उतारी जाएगी और यहीं पे रखी जाएगी। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रथा होती है। आजकल मैं जितनी भी शादी अटेंड कर रही हूँ वहाँ मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये भी होता था, मुझे पता नहीं था, मुझे आज यही पता चला है। अगर है तांबे की तो गागर को शुभ माना जाता है, इसीलिए इस गागर में पानी भरा गया है और इसको सर पे उठा के रखेगी संध्या। अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ मतलब पालकी पे भी जाता है दूल्हा, पर यहाँ उड़ा करवाया गया है। और अभी हमारी ताई जी और दोनों ताई जी भी जा रही है बारात में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, अभी लास्ट में लग गया है हमारा नंबर, तो हम भी जा रहे हैं थोड़ा बारात को नीचे तक छोड़ने के लिए। अभी हम सभी आ गए हैं बारात को छोड़ के घर। अभी सभी लोग चाय पानी पियेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। दूसरी नंबर की दादी है वो है ये, तो इनकी ही बेटी की बेटे की बारात है आज। दादी कैसे लग रहा, नातेड़े की बारी आ रही है मेरी। हाँ, तो अभी आ गई है मेरी ताई जी। तो ये ताई जी रहती है कालका, सबसे ऊपर जो दादा है उनकी बहू है ये। ताई जी के बाद है दूसरी वाली बड्डी का नंबर। तो बड्डी आज पहली बार आई है मेरे ब्लॉग में, तो बड्डी स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। धन्यवाद। कैसा लगा आपको घर आके? अभी यहाँ पे लगभग मेरी सारी बड्डियाँ बैठ गई है और दादी भी आ रखी है आज हमारे साथ बारात में। आने का सबसे बड़ा फायदा कि मुझे सभी लोग पहचान रहे हैं। मैं सोचती थी मुझे कोई नहीं जानते, पर मुझे सभी लोग जानते हैं और सभी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने लोग भी मुझे मिले हैं वीडियो देखने के लिए। तो आगे भी अपना प्यार ऐसी बनाए रखे हम पे। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और अभी बारी आ गई है विदाई की, तो बुआ अभी विदाई में सबको दे रही है मिठाई। जो बुआ है हमारी वो ये है। बुआ ला रही है बहू, तो बहुत बहुत बधाई हो बुआ आपको। और सभी की विदाई अभी हो गई है, तो अब हम जाएंगे घर। और ये है भिटियारा गांव। वैसे तो भिटियारा गांव बहुत बड़ा है, काफी ये काफी हिस्से में बटा हुआ है। अभी हमारी विदाई हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं घर। अभी अपने अपने हिस्सों के थैले लेके जा रहे हैं घर, और मेरे पास भी है मेरे हिस्से का। सबसे पहले आई मैं, चाची और संध्या, तो अभी ये लोग भी आ गए हैं अपने हिस्से की मिठाई और साड़ियाँ लेके। और अभी उतराई में मैं सबसे पहले पहुंच गई हूँ। चढ़ाई तो मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, पर उतराई में मैं सबसे पहले पहुंच जाती हूँ। और ये लोग अब पहुंच रहे हैं। ये लोग उतराई नहीं चढ़ पाते हैं, वैसे ये चढ़ाई चढ़ पाते हैं। और अभी जैसे हम अपने मार्केट में पहुंचे, वैसे ही गाड़ियों की कचाकच भीड़ लग रखी है, क्योंकि ये गाड़ियां जो आ रही है ये सेम मुखियम से आ रही है। सेम मुखियम का मेला आज खत्म हो गया है, इसीलिए सभी लोग लगे हुए हैं अपने घर जाने को। और काफी भीड़ भाड़ भरा माहौल हो रखा है आज मार्केट में। सब बोलो सेम नाग राजा की जय माता की। और अगले साल अगर सेम नाग राजा का निमंत्रण हुआ तो हम जरूर जाएंगे। तो आने वाले 3 साल में मैं और संध्या शायद किसी और के साथ जाएंगे, है ना संध्या? तो आने वाले इनको इग्नोर मारेंगे। हाँ, तब हम इनको नहीं झांकेंगे। आने वाले 3 साल के बाद तो हम कोई बात नहीं, तुम्हारे घर बस जाए हमारे लिए कोई बात नहीं। पर माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी सबसे बढ़कर है। बट अगर 3 साल के बाद ऐसा हुआ तो मैं तो इनको झांकूंगी नहीं और अपनी बड्डी को तो बिल्कुल नहीं। तब तो हम हाथों में हाथ डाल के चलेंगे। रील बनाएंगे जन्म जन्म को साथ हमारे। और अभी हम पहुंच गए स्वर्ग जितना सुंदर हमारे गांव में, क्योंकि अपना गांव सभी को अच्छा लगता है, तो हमें अपना गांव कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। यहां से सभी लोग जाएंगे अपने अपने घर, तो बड़े लोग सब जाएंगे नीचे और मैं जाऊंगी।
अपने घर। और अभी सभी लोग आ गए हैं अपने घर, तो मैं भी आ गई हूँ। और मुझे अपने लिए और बड्डी के लिए बनाना है खाना, तो आज मैं खाने में बना भट का चौंसा और चावल, क्योंकि आज मौसम काफी ठंडा है। तो अभी मैंने भट को भून दिया है, अब मैं इसे मिक्सी पे पीसूंगी और फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमें लग गई है भूख और अभी हमने खाना भी खा लिया। तो हमारे खेत में मम्मी ने बो रखी थी सब्जी, जो काफी अच्छे तरीके से उग के आई है। तो मुझे मतलब कि इसके बाद इसको नेलना गोड़ना पड़ता है, जो मुझे नहीं आता है। तो अभी भाभी आई है इसको नेलने गोड़ने के लिए, तो भाभी गोड़ रही है इसे आज। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।